दिसंबर को एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे पॉल मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, प्रीपेड कार्ड देती है, क्रेडिट सर्विसेज वगैरह देती है थ्रू इट्स ऐप। एक इनकी ऐप है पॉल पे करके, जो गूगल स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो उसमें कंप्लेंट में ये था कि उनके साथ अराउंड 1.95 करोड़ का फ्रॉड हुआ है उनकी ऐप को हैक करके। तो उसके बाद हमने तुरंत इसके ऊपर FIR दर्ज करके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में टोटल हमने 5 बंदों को अभी तक अरेस्ट किया है। पंकज कुमार सन ऑफ हरिराम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सरसा, विक्रम सन ऑफ कृष्ण फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, मुकेश सन ऑफ जगदीश फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हिसार, रजिंदर अलियास राजू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हिसार, रोहताश सन ऑफ सीताराम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हिसार। तो मैं इसका थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें ये जो पॉल पे ऐप है, इसके अंदर इन्होंने टेक्निकल तरीके से इस ऐप को हैक करने के बाद इसमें 1.95 करोड़ की ठगी करी है। ये जो रोहताश कुमार है, ये इसमें टेक्निकल मास्टरमाइंड है। ये YouTube वगैरह के ऊपर ऐप्स में क्या क्या बग्स हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसको देखता है। तो जो भी खास करके पेमेंट वाली ऐप्स होती हैं उन पे ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो जैसे ही एक बर्प सूट करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, और अगर आप थोड़ा इसके ऊपर सर्च करेंगे तो ये हैकिंग के लिए बर्प सूट BURPSUITE, तो ये एक मोस्ट पॉपुलर हैकिंग टूल यूज़ कर रहे हैं इसको हैकर्स। जबकि इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी कंपनीज वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस टूल से अपनी वल्नरेबिलिटीज़, जो भी उनकी ऐप में कमियां हो सकती हैं, बग्स हो सकती हैं, उनको स्टडी करके वो उनको फ़िक्स कर पाएँ प्रोफेशनली रिलीज़ करने से पहले। तो रोहताश कुमार ने जब इस पॉल पे एप्लीकेशन में कुछ वल्नरेबिलिटी को उसने डिटेक्ट किया, तो उसके बाद उसने रजिंदर प्रसाद और मुकेश के को इस बारे में बताया, जो कि उसको पहले से जानते थे। तो उसके बाद इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी कि क्यों ना हम इस बग को फ़ायदा उठा के इसके साथ चिटिंग करी जाए। तो उसके बाद इस ऐप के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए इनको फ़ोन नंबर चाहिए थे, तो वो फ़ोन नंबर्स इन्होंने विक्रम और पंकज से लिए। तो जो विक्रम और पंकज हैं उन्होंने इनको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवाए। तो इसमें ऑलमोस्ट 1400 अकाउंट्स बने हैं और 3100 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जो टोटल ट्रांजेक्शन्स हैं वो 1.95 करोड़ की बनती हैं। तो जो ये 2 करोड़ का ये टोटल जो अमाउंट गया है, ये एक तो जो ट्रक्स ये आप देख रहे हैं जो खड़े हुए हैं, इनका लोन भरा गया है। जो यहाँ पे ये रजिंदर हैं, मुकेश हैं और एक कमलदीप है जो अभी हमने अरेस्ट करना है। कमलदीप अभी बचा हुआ है, वो रजिंदर का रियल ब्रदर है। तो ये लोग ट्रक चलाते हैं हिसार से गुजरात तक, राजस्थान तक। तो उसका इन्होंने लोन भरा अराउंड 30 लाख का, 5 लाख के उनके फास्टैग वगैरह उन्होंने रिचार्ज करे। इसके अलावा जो मेजर अमाउंट गई है कुछ लोगों के पेटीएम अकाउंट्स में गई है 50 लाख, जिसको हम फ्रीज़ करवा रहे हैं। 25 लाख के अमेज़न गिफ्ट कार्ड वाउचर्स खरीदे गए हैं, जो हम अमेज़न को लिख के उनको ब्लॉक करवा रहे हैं। इसके अलावा और बाकी लोन्स भरे गए हैं अराउंड 30-35 लाख्स के। तो इसका जो थोड़ा मॉडस ब्रांडी मैं आपको ये बता देता हूँ ये हैकिंग कैसे करते हैं। ये आज तक जो भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं वो हमने इंडिविजुअल के परस्पेक्टिव से करी हैं कि इंडिविजुअल को कैसे साइबर सिक्योर रहना है, उसको अपना OTP शेयर नहीं करना, उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। ये थोड़ा ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो जनरली जब भी हम कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे ई कॉमर्स साइट्स हों या फिर जो भी पेमेंट साइट्स हैं जैसे पेटीएम है या कुछ और साइट्स हैं, तो वो पेटीएम गेटवे के थ्रू ट्रांजैक्शंस राउट होते हैं। तो उन्होंने बर्फ सूट के थ्रू पेमेंट गेटवे को बाईपास कर दिया। मतलब इन्होंने पेमेंट्स गेटवे को जब मैसेज जाता है उस मैसेज को कैंसिल कर दिया, उस मैसेज की जो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हम बोलते हैं, ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर दिया, बट पीछे से टूल के थ्रू रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके पीछे से जो मैसेज भेजा सर्वर को वो सक्सेस का भेजा। इन्होंने आइडियली ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर देते हैं बट गेटवे को बाईपास कर देते हैं टूल के थ्रू। तो पैसे इनके खाते में आ गए बट इनके खाते से कटे नहीं, मतलब इनका जो वॉलेट है उसमें पैसे आ गए बट इनके खाते से पैसे कटे नहीं। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साइबर सिक्योरिटी जो ऑडिट है वो उनको अपना प्रॉपर करना चाहिए।
और यहाँ पे हमने एक इसमें एक विसल ब्लोअर भी है जिस वजह से ये स्कैम पकड़ा गया, तो उसको हमने कल रिवॉर्ड भी करा है बुला के उसको, वो भी इनके आसपास के एरिया का ही रहने वाला है। तो हम इसमें लोगों को ये भी अवेयर करना चाहेंगे कि अगर किसी को ऐसी कुछ वल्नरेबिलिटी आती है तो उसको तुरंत पुलिस को बताना चाहिए या उस ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए, नहीं तो आप क्राइम की दुनिया में फिर आप जा सकते हैं और उसके बाद आपको जेल हो सकती है। ये ड्रॉप आउट है, ये बीएससी से इसने ड्रॉप आउट करा हुआ है। टेक्निकल वगैरह भी किया है? नहीं, टेक्निकल नहीं करा, बट ये यूट्यूब के थ्रू इसने सीखा है, ये जो वर्क सूट वगैरह है इसने यूट्यूब के थ्रू सीखा है। उसके बाद इसने रजिंदर प्रसाद और मुकेश को थ्रू फ़ोन इसने इनको समझाया है, एनी डेस्क ऐप के थ्रू डाउनलोड करवा के उसके बाद पूरी इनको डेमो दी है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना चाहूँगा क्योंकि जो हैकर्स बैठे हैं वो भी उस चीज़ को वो करना चाहेंगे, बट जो मोटा मोटा उसका मॉडस ऑपरेंडी वो ये है कि जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं पहले पेमेंट गेटवे को मैसेज आता है, उसके बाद पेमेंट गेटवे उसका कैंसिल या उसका या तो सक्सेस होगा या डिक्लाइन होगा वो मैसेज देता है। तो जो ये पेमेंट गेटवे को मैसेज भेजते थे वो कैंसिल का मैसेज भेजते थे, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन ऑन कर ली उसके बाद बीच में आपने कैंसिल कर दिया, तो इन्होंने ट्रांजैक्शन करके उसके बाद कैंसिल कर देते थे। तो आपके पेमेंट गेटवे से अब जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो कैंसिल का आना चाहिए, बट उस रिस्पॉन्स को ये मैन्युअली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सक्सेस कर देते थे। हमने जो रिक्वेस्ट उनको भेजी है पेमेंट गेटवे को, हमने वो भेजी है कि हमने ट्रांजैक्शन नहीं करनी, हमने जो भी रिचार्ज करना है 100 रुपये का हमने नहीं करना, बट उसके बाद जो सर्वर को रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैंने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मैंने वहाँ पर मैनिपुलेट कर दिया जी। तो आपके पास